Hello friends, assalamu alaikum, welcome back to your channel makeover and up. तो आज के व्लॉग में मैं जो है आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जुदाई का वक्त जो है वो आ गया है करीब। अब हम जाने वाले हैं वापस पंजाब और आपी चिनावजी जो हैं, मतलब नूरीन आपी जो है वो वापस जो है वो कराची चली जाएंगी यहाँ से। तो फिर इन्होंने काफ़ी देर के बाद वापस मुलाकात होती है तो दिल बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि बाकी सब बहनें भी दोबारा किसी भी इवेंट पे, किसी मौके पे जब दिल करेगा मिल लेते हैं एक दूसरे को। लेकिन चीना बाजी ने काफ़ी देर के बाद कराची से वापस यहाँ पंजाब आना होता है, तो इसीलिए आज का जो दिन है हमारा पंजाब वापसी का दिन है। हमने आज यहाँ से पंजाब वापस चले जाना है। तो दिल बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया था। छोटे भाई ने जो है वो सॉन्ग बोला तो बस एकदम जो है वो आंखों में आंसू आ गए। एक ना एक दिन तो बेटियाँ अपने अपने घर चली ही जाती हैं, बहनें जुदा हो ही जाती हैं। तो बस वो दिन आज दोबारा से आ गया। ऐसे जब भी कोई बेटी घर से जाती है या जब ये छीनाबाजी वापस कराची जाती हैं तो इस तरह लगता है कि जैसे दोबारा से फर्स्ट डे ऑफ रुखसती, मतलब ऐसे लगता है कि आज रुखसती दोबारा से जो है ना पहली दफ़ा ये रुखसत होने लगी हैं घर से। जाहिर है बेटी जो है घर की, तो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो दिल उदास हो जाता है और परेशान हो जाता है। तो बस आज ये भाई ने मेरा व्लॉग कुछ बनाया था, भाई आसिफ ने, उसके बाद जनाब जी बहुत मजा आया, बहुत जबरदस्त सी रहे का हमारे बच्चे, अल्लाह ताला तुम्हारा बहुत ज्यादा दे रहा है कामयाबी दे, चलो लो पूछ लो बीती रहो सदा सुहागन रहो। माशाल्लाह से बहुत समझदार है ये वाला, कौन सा वाला ये वाला नॉटी है। चीज़ें वगैरह रखी जा रही हैं गाड़ी में सारी, सब ने अपना अपना सामान अपनी अपनी गाड़ी में जो है वो रख लिया है। और बस सैड सैड सारे घूम रहे फिर रहे थे। और चीना बाजी के बच्चे भी हसन हसीब, क्योंकि ये एक वक्त इन्होंने हमारे घर में गुजारा है, तो फिर सबका दिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। तो बस निकल पड़े हैं हम यहाँ से पंजाब के लिए और दिल बहुत ही ज़्यादा उदास है। और मुझे वो वक्त याद आ रहा है कि जब अबू जी थे और छीनाबाजी कराची से, सॉरी कराची वापस आती थी पंजाब से, तो अबू जी की बिल्कुल जो है ना दिल इतना, बाप कहते हैं कि बाप बाप ही होता है वाकई। अल्लाह ताला अबू जी को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। हर किसी को शायद ऐसा ही लगता हो, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि मेरे अबू जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। तो जब चीनाबाजी कराची वापस आती थी तो अबू से जो है वो कंट्रोल नहीं था होता और अबू जी की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ जाते थे। तो बस मुझे वही वक्त अब दोबारा याद आ रहा था और मेरा भी दिल बहुत ही ज़्यादा उदास हो रहा था। तो बस यहाँ से हम वापस जा रहे हैं और वापसी पे एक जो है वो हादसा पेश आ गया था। अचानक ही गाड़ी के सामने जो है ना वो मोटरवे पे, जब हम मुल्तान की तरफ जा रहे थे तब भी रास्ते में कुछ कुत्ते जो है ना मरे पड़े हुए थे साइड पे, तो हम देख के मतलब परेशान हो गए थे। और जब हम इधर से भी वापस जा रहे थे तो आप ही लोगों की गाड़ी के आगे जो है वो एक कुत्ता आ गया और आगे से सारा वो जो है ना क्या कहते हैं उसको, पता नहीं क्या कहते हैं, जो आगे वाला हिस्सा होता है गाड़ी का बोनेट से तो नीचे, क्या हो गया वो था सारा कि डैमेज हो गया मोटरवे था पे अचानक आते और हैं जो है ना एनिमल्स आ जाते हैं, लैग के तो करीब उनका इनकी जो है गाड़ी ना के आगे फैलने एक का नुकसान हो डॉगी गया आ था। गया था और वो तो जिसकी वजह है, से गाड़ी का लेकिन भी बहुत जो ज्यादा नुकसान हुआ कुत्ता है। जो है ठीक उसका है बड़ा ना, हो जो मैं रहा था अभी कि आपको पता नहीं उसे दिखाती क्या हूँ हुआ होगा थोड़ा बहुत कि ठीक फिर होगा आगे कि नहीं, देखें। फिर लेकिन हमने जब इसे हमने खुद ही वापस होके फिक्स किया, देखा हेल्पलाइन पे तो कॉल आप ही की ने थी पर कोई नहीं देखा था, आया। आप ही ये कहती थी कि देखें वो फिर भाग के जो है अभी ना बिल्कुल वापस दूसरी तरफ जा रहा था। बिल्कुल मतलब पैर कंडीशन आप दिल इसकी बहुत देख ही लें ज़्यादा परेशान हो गया था तो इस अभी चीज़ से, इसकी कि
और बस ये जहाँ स्टे कर रहे हैं इधर कुछ ना कुछ इसको जो है ना रिपेयर करते जा रहे हैं ताकि हम घर तक तो जहाँ पे गाड़ी रुकती थी वहाँ पे इसको दोबारा से ठीक कराया जाता था क्योंकि इधर कोई मैकेनिक मिल नहीं थे सकता जो इसको रिपेयर कर दे। तो अब तो ठीक तो घर जाके ही होनी थी एकदम बंदा परेशान हो जाता है। जहाँ पे स्टे ड्राइवर के लिए स्पेशली जो है ना जो भी मौजूद होते हैं आदमी परेशान ये बार बार ठीक करवा रहे हैं करना भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। ये फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऐसे हुआ है हमने बिल्कुल स्पीड भी इतनी ज्यादा नहीं थी स्पीड भी स्लो थी बस डॉगी एकदम से सामने आ गया बिल्कुल पता भी नहीं फिर उठ के चल रहा था। हाँ फिर उठ के हमारे तो फिर जो है ना इन्होंने इसको देखा तो तसल्ली हो गई कि वो ठीक वो ठीक है ये तुम नुकसान पूरा हो जाएगा। तो बस जनाब आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह पंजाब से होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक सिस्टर जिन्होंने कहा था अपने चैनल पे मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा आज मैं उनका नाम ज़रूर लूँगी तो उनका नाम जो है वो है एक मिनट में दोबारा देख लूँ तो उनका नाम है अमारा और उनके भतीजे का नाम है मोहम्मद मूसा। तो लें अमारा एंड उनका भतीजा मोहम्मद मूसा मैंने आपका नाम ले लिया है। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे दोनों को। यहीं पे आज का व्लॉग ख़त्म होता है मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।